हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं बर्थडे पार्टी मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। अगर आपका बर्थडे है, किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो आप इस मेकअप लुक को आसानी से क्रिएट कर सकते हो। गाइज, बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ मैं इस मेकअप लुक को क्रिएट कर रही हूँ। बहुत ही ईजी तरीके से मैं मेकअप करना बताऊँगी आपको। बहुत लाइट सा मेकअप, सटल, बहुत ही सुंदर वाला मेकअप मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो गाइज, मुझको जल्दी जल्दी में जाना है अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। सो मैं रेडी हो रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हुई। ना ज़्यादा ओवर मेकअप होगा, ना ही बहुत सिंपल होगा, बहुत ही सुंदर मेकअप लुक होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपसे वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इस चैनल पर ऐसे ही अच्छे अच्छे मेकअप के वीडियो देख सकें। तो मैं अपनी स्किन को सबसे पहले मॉइस्चराइज करूंगी। सो मॉइस्चराइज करने के लिए मैं फ्रूट स्किन का जॉय का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। मेरी स्किन ऑयली है, इसलिए मैं ये वाला मॉइस्चराइजर लेती हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर ले सकते हैं जो आपको सूट करता हो। सो अच्छे से लगा लीजिए, ताकि कोई भी आपके पार्ट पर ड्राइनेस बिल्कुल भी ना हो। सो गाइज, मैं अपनी स्किन पे प्राइमर लगाऊंगी। सो प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे कलर बार का प्राइमर ले रही हूँ। गाइज, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर काफ़ी अच्छे होते हैं आपकी स्किन के लिए। बहुत अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो मैं बिल्कुल थोड़ा सा लगा रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से अपनी स्किन पे ब्लेंड कर लीजिए। सो गाइज, इसके बाद हम अपनी स्किन पर फाउंडेशन लगाएंगे। सो यहाँ पे मैं आई मेकअप बहुत सिंपल रखने वाली हूँ, इसलिए सबसे पहले शुरुआत करने वाली हूँ फिट मी के फाउंडेशन से, इन दी शेड 128। गाइज, ये न्यूड बेज फाउंडेशन है। सो मैंने बिल्कुल इतना सा फाउंडेशन लिया है, और इसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करना है। देन हम लेंगे एक डैप ब्यूटी ब्लेंडर, ये हल्का गीला ब्यूटी ब्लेंडर है, उसकी हेल्प से हम अपना पूरा फाउंडेशन को स्प्रेड करेंगे अपने स्किन पे। सो बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, ताकि इवनली फाउंडेशन आपकी फेस पे लग जाए। उसके बाद हम अपने फेस पे कंसीलर लगाएंगे। सो ये एनवावी का कंसीलर है इसकी। सो मैं इसको थोड़ा सा अपने अंडर आई पे लगा रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा लगाना, क्योंकि उसके बाद वही ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैं इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद हम पूरे मेकअप बेस को सेट करेंगे। सो मैं मेकअप बेस को सेट करने के लिए यहाँ पे फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। अपने पूरे मेकअप बेस को अच्छे से सेट करूँगी, ताकि कोई भी ऑयल वगैरह मेरी स्किन पे ना आए, और मेकअप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे। मैं बहुत सिंपल सा आई मेकअप करने वाली हूँ। सो मैं सबसे पहले ब्राउन कलर लूँगी। सो गाइस, आपको कोई भी ब्राउन कलर लेना है अपनी आई शेडो पैलेट में से, और आपको अपनी अपनी आईलेट पे लगाना है, इसको स्टार्ट कर देना है। जो भी एक्सेस पाउडर होता है, आपको उसे रिमूव कर देना चाहिए। उसके बाद हम अपनी आईब्रो को फिल इन करेंगे। सो आईब्रो को फिल इन करने के लिए हम यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ब्राउ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। सो मैं ये ब्लैक कलर ले रही हूँ, और उसकी हेल्प से अपना आईब्रो को फिल इन करूँगी।
गाइज मैं बिल्कुल नेचुरल शेप में कर रही हूँ आईब्रो, जैसे कि मेरी आईब्रो हैं। तो मैंने आईलाइनर लगा लिया ऑफ कैमरा, क्योंकि गाइज मुझसे ऑन कैमरा आईलाइनर लगा ही नहीं जाता है। सो आईलाइनर पार्ट हो गया है डन। उसके बाद हम अपने फेस पे ब्लश लगाएंगे। सो इस स्विस ब्यूटी की अल्ट्रा प्लस पैलेट में से मैं कोई सा भी पीच कलर जो नेचुरल लगे वो वाला कलर ले लूँगी और अपनी सो मुझको इतना ही कलर चाहिए है। अपनी आई लेसेस पे मस्करा लगाएंगे। सो एक ग्लैम 21 का मस्करा है, उसको अपनी फॉल लेसेस पे अच्छी तरह से लगा लेंगे। तरह से लगा लिए ताकि वो फेक लेसेस वाला इफेक्ट मिले। नीचे वाले लेसेस में भी अच्छे से मस्करा लगा लीजिए। कोई भी आपको गोल्डन कलर या फिर हाइलाइटर है आपके पास तो उसमें से लगा लीजिए। सो बस इतना ही ग्लो। सो मैं लिप बाम को एज अ लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक। इस लुक को मैंने कंप्लीट के अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आती रहे।